शामली जनपद में आज जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए उस समय बिगुल बज गया जब भाजपा की ओर से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह, सदर विधायक तेजेंद्र निर्वाल और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरवीर मल्लिक, पार्टी की ओर से मधु गजर को नामांकन पत्र जमा कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। दूसरी ओर सपा और राष्ट्रीय लोकदल की ओर से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रसन्न चौधरी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी और रालोद के जिला अध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन समेत बड़ी संख्या में नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में मधु गुजर जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, हमारे सम्मानित विधायक जी, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई पवन जी, भाई हरबीर जी और प्रस्तावक के रूप में आदरणीय सुमन जी, डॉक्टर नीरज जी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र के साथ उन्होंने देश में सर्वांगीण विकास को फोकस किया है। जनपद शामली में भी जिला पंचायत के चुनाव में हम यही नारा लेकर के उतरे थे और आज भी पूरी मजबूती के साथ इसी पर आगे बढ़ रहे हैं कि शामली का विकास हमारी प्राथमिकता है। शामली के जन जन तक विकास पहुंचे, अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के लिए विकास पहुंचे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विकास से प्रभावित होकर के मैं उन तमाम जिला पंचायत सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूं जो आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय योगी जी की नीतियों से, आदरणीय योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास किया गया है उससे प्रभावित होकर के जिन जिला पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो साथ खड़े हुए हैं मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं और मैं कह सकता हूं कि हम सब लोग, हमारा एकमात्र उद्देश्य है विकास विकास विकास, केवल इस जनपद को विकास के पायदान पर नंबर एक पर पहुंचाना, इसी उद्देश्य के साथ हम सब लोग आज जिला पंचायत के चुनाव में पहुंच रहे हैं। आज सपा और रालोद गठबंधन प्रत्याशी के रूप में अंजलि जी ने अपना नामांकन फाइल कर दिया है जी जी। अब क्या गठबंधन की रणनीति रहेगी ताकि जो है ये नॉमिनेशन जीत तक पहुंच पाए? देखिए पार्वा जी, जब ये चुनाव हो रहे थे जिला पंचायत के तभी हमारी अंजलि जो आज जिसका हमने नॉमिनेशन कराया है, ये समाजवाद हमारी दोनों की संयुक्त प्रत्याशी थी और तभी से हम लोगों का मन ये था कि इसको चुनाव में आगे जिला अध्यक्ष के पद तक ले जाएंगे हम लोग। इससे पहले भी मैंने संख्या बल आपको पार्टी कार्यालय में कई बार दिखाया, 12-12, 13-13 लोग हमारे वहाँ रहे। ये जो सरकार प्रदेश और देश में चल रही है इसको जनता ने नकार दिया है, वो नकारने की वजह से हमको मैंडेट दिया है और हमारे मेंबर भी ज़्यादा जिता के भेजे हैं। जो कि पिछले चुनाव में हमारे राष्ट्रीय लोकदल के मेंबर बहुत कम थे, इस बार हमारे 5 मेंबर जीत के आए, ऐसे समाजवादी के जीत के आए, निर्दलीय भी जीत के आए, तो पूर्ण बहुमत हमारे पास है, हम ये चुनाव जीत के रहेंगे। उसी सफाई को लेकर लोग हमारे पास जो मेंबरान है वो हमारे सहयोग में है और हमारे संपर्क में है और वो हमको जिताना चाहते हैं, इसी बेल पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही दावे बागपत में किए जा रहे थे लेकिन आज सुबह वहाँ अचानक आपका रालोद का प्रत्याशी जो है भाजपा में चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी पुनरावृत्ति शामली में? शामली में नहीं हो सकती, ये शामली बहुत मजबूत कैंडिडेट हमारी है, शामली में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन वहाँ जो हुआ है कि सत्ता के में जो बैठे लोग हैं उन्होंने प्रलोभन देकर उसको तोड़ा है, ये लोकतंत्र में बहुत बड़ी बात है, खराब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी तोड़ सकते थे, हम वीरेंद्र जी को पार्टी में ले सकते थे, हमारे पास ऑफर भी आया था लेकिन हमने कहा भी नहीं कि चुनाव होगा उसके बाद हम बात करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि आपकी पार्टी माना चाहते, हमने उसको नज़रअंदाज किया, चर्चा भी नहीं किया, विचार भी नहीं किया, इसलिए कोई लड़ाई तो सही मैदान में मारेंगे उनको। मेंबरों का समर्थन प्राप्त है, विजय सुनिश्चित है, बड़ों का आशीर्वाद जिस प्रकार हमारे ऊपर बना है उसी प्रकार बना रहे तो विजय हमारे से दूर नहीं है। राणा जी, आप भी SD या API का समर्थन के बाद दावा कर रहे हैं, उधर जो है विपक्षी भी कर रहे हैं, ये क्या है, मतलब जो असलियत क्या? 3 तारीख को पता लग, वो 3 तारीख में सबको पता लग चल जाएगा वोटिंग के बाद कौन किसके पास है। वे भ्रम पैदा कर रहे हैं, कहीं पैसों का भ्रम पैदा कर रहे हैं, कहीं सत्ता का भ्रम पैदा कर रहे हैं, कहीं पुलिस से प्रताड़ित कराने का भ्रम पैदा कर रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए जाएंगे, उनको पता लग जाएगा। लगता है आपको ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, सत्ता का क्या चलेगा, वोटर्स की मर्जी है, वोटर्स अपनी मर्जी से हमारे साथ में है, उनका समर्थन प्राप्त है, वो इस तरह का कोई सबूत नहीं है। अभी वो तो भ्रम पैदा कर रहे हैं कि वो सदस्य जिसने लोकदल ज्वाइन की थी वो हमारे पास आ चुका, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ उन्होंने सपा रालोद
गठबंधन की ओर से अंजलि का नामांकन पत्र जमा कराया। फिर दोपहर 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच हुई। अब सोमवार को नामांकन पत्र वापसी के बाद आगामी 3 जुलाई को पूर्वान 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बताते चले जिला पंचायत शामली में 19 सदस्य वोट डालने के अधिकारी है। जनवाणी न्यूज के लिए कैमरामैन दिनेश।